रूस यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से यूक्रेन को अमेरिका और नेटो देशों का सहयोग मिलना शुरू हुआ, लगा यूक्रेन हारती बाजी को जीत में बदल देगा। कई बार युद्ध का माहौल ऐसा बना भी कि रूस के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई थी, लेकिन फिलहाल अब ऐसे हालात बनते जा रहे हैं कि यूक्रेन समेत नेटो देशों की मंशा पर लगाम लगता दिख रहा है। डगलस मैकग्रेगर, जो रिटायर्ड कर्नल और ट्रंप प्रशासन में रक्षा सचिव के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं, उनके हालिया बयान सोचने को मजबूर करते हैं। उन्होंने लिखा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कुछ ही महीनों में हीरो से जीरो बन गए हैं। टैंकों से लेकर मिसाइलों तक यूक्रेन को बहुत कुछ मिला। सेना ने कई जगह साहस तो दिखाया, लेकिन खराब लीडरशिप की बदौलत युद्ध में प्रदर्शन मदद के मुताबिक कुछ खास नहीं रहा, जिसकी वजह से हजारों यूक्रेनियन मारे गए या घायल हुए। कथित तौर पर हजारों थके हुए यूक्रेनी सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए उकसाया जा रहा है। रूसियों की सटीक विनाशकारी मारक क्षमता ने यूक्रेनी सेना को मक्खियों की तरह मारना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे यूक्रेनी नुकसान बढ़ता गया और यूक्रेन का जवाबी हमला विफल होता गया, वॉशिंगटन डीसी का यूक्रेन के प्रति नजरिया भी बदलता गया। अमेरिकी राजनीति और सेना की तरफ से ज़ेलेंस्की और उनके वरिष्ठ सैन्य नेताओं की आलोचना शुरू हो गई। बाद में हालात ऐसे भी बने जिसमें यूक्रेन से खुले तौर पर कुछ कहे बिना ही यूक्रेन मसले से बाहर निकलने की रणनीति पर भी विचार चलने लगा। दूसरी तरफ रूस कहीं से अब पीछे हटने के मूड में नहीं नजर आ रहा है। उधर इस युद्ध के मनचाहा परिणाम न आने और दिए गए हथियारों की बर्बादी की वजह से ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ से मिलने वाले मदद को अघोषित रूप से रोक दिया गया है। हालिया माहौल में सैनिकों का हौसला टूटता जा रहा है। ज़ेलेंस्की इस हालात को बेहतर समझ रहे हैं। शायद यही वजह है कि जब जब ऐसी स्थिति बनती है वो सैनिकों से मिलते हैं और उनके मनोबल को बांधने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। लेकिन बात महज इतने से ही नहीं बनेगी, क्योंकि रणनीतिक तौर पर बहुत कुछ यूक्रेन के विरुद्ध नजर आ रहा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी कह चुके हैं कि अमेरिका यूक्रेन को बहाना बनाकर हमारे साथ शत्रुता कर रहा है। दूसरी तरफ खुद ज़ेलेंस्की का भी बयान आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हथियार हमें सहयोगी पश्चिमी देशों से मिल रहे हैं उसकी आपूर्ति की गति बड़ी ही धीमी है। हमें शक्तिशाली और लंबी दूरी के हथियारों की जरूरत है जो मिल नहीं पा रहे हैं। अब यूक्रेन के कमजोर होते हालात की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन आगे की ओर नजर डालें तो वो भी यूक्रेन के लिए काफी मुश्किल भरे नजर आ रहे हैं। सर्दियां नजदीक हैं, ऐसे में यूक्रेन में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आएगा। दिसंबर से मार्च के बीच यूक्रेन में औसतन तापमान -4.8 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तब चाहे आम जनजीवन हो या सैनिकों की गतिविधि, सब धीमी हो जाएगी। ऐसे में रूस के पास एक और मौका होगा यूक्रेन पर हमला करके उसे और कमजोर करने का, और पिछली सर्दियों में किए अपने हमले से ऐसा करके वो दिखा भी चुका है। ओवरऑल देखें तो यूक्रेन की स्थिति फिलहाल सांप छछूंदर जैसी हो गई है। यूक्रेन के नेटो संगठन में सदस्यता को लेकर इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, अब तक न तो यूक्रेन को वो सदस्यता ही मिल पाई है और न ही युद्ध में जीत के कोई आसार नजर आ रहे हैं।